use what? एग्जीक्यूशन प्लान. रितेश रोहित क्लियर है कि नहीं है? यस सर. एक बार क्वेश्चन. एग्जीक्यूशन डिस्प्ले एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान. सॉरी रिया, जस्ट वन सेकेंड. सो आई पिक दिस अप, दिस अप. This is the display estimated execution plan. Is this clear? अब अगर एक टेबल बड़ी है और दूसरी टेबल छोटी है, then nested loop join. If both the tables are formed, then hash join. And if both the tables are large, then sorry. If one table is large, one table is small, then nested loop join. If both the tables are small, then merge join. In merge joins case, you have to sort the composite key. और अगर दोनों tables बड़ी हैं तो hash join. ये सीधा बोल दे रहा हूँ आप पे. Is it clear? क्योंकि ये पक्का पूछेंगे कि आप क्वेरी ऑप्टिमाइज, आपकी क्वेरी स्लो चल रही है तो कैसे पता लगेगा. तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे इंडेक्सेस यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. उसके लिए मैं एग्जीक्यूशन प्लान को देखूंगा और एग्जीक्यूशन प्लान को देख करके मैं देखूंगा कि भाई कौन सा ज्वाइन, कौन सा लूप और कितना कितना इंडेक्स यूसेज है. इज इट क्लियर? यस और नो? दोनों को क्लियर है? क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चन आता है, मैंने फिर से रिव्यू कर लिया, हालांकि मैं कई बार भी बता चुका हूं ये. रोहित रितेश क्लियर है कि नहीं है? बोलो तेज से. यस सर. यस सर. क्योंकि मैं इसके बाद आपको अभी खुला छोड़ दूंगा, बिकॉज आई विल नॉट टच यू गाइस फॉर द डे. तो तुम अपना सीक्वल एक बार रिव्यू कर लेना. ठीक है ना? प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, स्केलर, टेबल, इनलाइन फंक्शंस, ये सब जो है तुमने किए हुए हैं वो प्राइमरीली इसी से ही पूछेंगे. While, do loop, pat index, char index, बाकी सब मैंने तुम्हें कराया हुआ है. अभी तुम्हारे कोई क्वेश्चन सीक्वल में है तो बोलो, क्योंकि रितेश आज केवल सीक्वल वाला देखो, तुम्हारा एक और इंटरव्यू की बात हो रही है अभी. हाँ बोलो. कोई भी क्वेश्चन? अब एक ये क्वेश्चन आया, सपोज ही सेज दैट I have got gray orange here and I have got WS retail services here. For each given date, I want to know what is my gray orange and then side by side WS retail, and I want it in single query. So I'm just doing it how you can do it in a single query, CT1 as. But ध्यान से देखना, using subqueries, select case sum of case when. Party underscore legend underscore name like हुआ gray. Is it correct? Then sale underscore quantity else zero end as total underscore sales underscore gray orange. राइट. ओके, देन आई पिक दिस अप, कंट्रोल वी, एंड आई हैव गॉट डब्ल्यू एस रिटेल. सो इफ आई पिक अप डब्ल्यू एस रिटेल, देन इट इज सेल अंडरस्कोर डब्ल्यू एस. ये कोलेटेड सबक्वेरी से हो गया. कॉमा ऑर्डर अंडरस्कोर डेट फ्रॉम आइटम अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर ग्रुप बाय ऑर्डर अंडरस्कोर डेट. ये समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? यस सर. तो ये ऐसे भी कर सकते हो तुम. अगर वो सिंगल, अगर तुम्हें ज्वाइन नहीं करना, अगर वो कहता है भैया मेरे को सिंगल से कर दो एंड सब क्वेरी से कर दो ये केस से, तो ये केस स्टेटमेंट तुम यूज कर सकते हो. रितेश तुम्हें क्लियर है बेटा कि नहीं है? एक बार प्रैक्टिस कर लेना. अगर कॉलम बाय कॉलम अगर बोलता है तो तुम केस से कर सकते हो.
नहीं आया समझ में? आया सर। सपोज उसने ये कहा कि नहीं भैया ऐसा करो तो कि मेरी एक्साइज सेल में कितनी आ रही है और मेरी क्रेडिट नोट में कितनी आ रही है, दोनों साइड साइड में कर दो, राइट। इसको लिया सीधा का सीधा, इसको लिया क्योंकि ये दिखाता है, ये करो इसको रितेश एक बार प्रैक्टिस कर लेना, करेक्ट। कंटेंस एक्साइज एंड डैश, तो ये क्या होगा, टोटल सेल्स एक्साइज। ये चीट शीट बना लो अपनी, रोहित क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है ना, और ये हो जाएगा क्रेडिट। इट इज द सेम फकिंग थिंग विच यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ द डैक्स मेजर। सो इन डैक्स व्हाट विल यू डू, कैलकुलेट सम ऑफ सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी, इज इट करेक्ट, यस और नो? फिल्टर आइटम अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर कंटेन्स स्ट्रिंग व्हाट, पार्टी अंडरस्कोर लेजर अंडरस्कोर नेम, व्हाट डज इट कंटेन, ग्रे। इज इट क्लियर, यस और नो? And then I say all except I do an all except by what, by order underscore date, यही तो था ना, बोलो बेटा, यही तो मेजर हुआ ना index, हाँ क्या ना? Yes sir। रितेश समझ में आया कि नहीं आया? आशीष समझ में आया कि नहीं आया? देव ज्योति समझ में आया कि नहीं आया? प्रिया समझ में आया कि नहीं आया? यस सर नो? देन आई से हियर Control V, then WS, correct? It's the same bloody thing. It's the logic is the same. Just that if you understand this SQL, then you'll be able to do this. बोलो, एनी क्वेश्चन अप टू हियर? करेक्ट, यही साल हम लोग ने प्रोडक्ट में डाला हुआ है। सो एनी वन हु अंडरस्टूड दिस डैक्स, नाउ व्हाट रितेश इज, रोहित इज हैविंग अ प्रॉब्लम इज दिस फिल्टर व्हेन ही गोज एंड डज इट एट वाउचर इन्वेंटरी, बिकॉज ही हैज टू ऐड ऑल ऑफ दैट। सो हियर इन दैट पर्टिकुलर केस ही हैज टू ऐड अ टेबल वेरिएबल, that table variable, it's not a table variable, it's going to be, he has to add a table valued function, that table valued function will calculate this filter element from sales order. So what he's trying to do effectively is that where in that particular case is, so where voucher underscore type underscore name not in sales order, is it correct, delivery note and receipt note, is it clear, yes or no?
ये सही है कि नहीं है? यही तो है ना? Can we do this? Sorry, dear. That's what he's trying to do, na? यही तो है ना रोहित, यही तो था ना तुम्हारी प्रॉब्लम? ये तो कर दिया है वो, उसका था मिसिंग पैकेज का. वेट And then he says is, and thereafter he says that there should be a missing tracking number. Or tracking number isme captured nahi hai. Right, so tracking number not in. कि ये जो ट्रैकिंग नंबर है एंड नहीं ऐसे नहीं होगा ना, इसमें ऐसे होगा ना, मास्टर अंडरस्कोर आईडी इन, सेलेक्ट मास्टर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम, लेट्स अस्यूम आई हैव गॉट आइटम सेल्स ऑर्डर वेयर ये वाला कंडीशन है ना इसका, कि ट्रैकिंग नंबर जो है ही हैज टू कोट दैट मिसिंग ट्रैकिंग नंबर लॉजिक, राइट, कि जो ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी नोट में और रिसीट नोट में नहीं है. इज दैट व्हाट इट इज रोहित? यही तो प्रॉब्लम है ना, ट्रैकिंग नंबर परचेज इनवॉइस में और सेल्स इनवॉइस में नहीं, ट्रैकिंग नंबर रिसीट नोट में है पर परचेज इनवॉइस में नहीं है. Yes, sir. और डिलीवरी नोट में है पर सेल्स इनवॉइस में नहीं है. हाँ सर. अब हम लोग ये वाउचर इन्वेंट्री, सो यू वांट टू रिमूव दीज टू टेबल्स, राइट, जो इन्वेंट्री वाली है ये वांट टू ब्रिंग देयर लॉजिक इनटू दिस, राइट, ये इन्वेंटरी मूवमेंट इन्वेंटरी समराइज डेली इनका जो लॉजिक है वो तुम इसमें लाना चाहते हैं. तो जो क्लोजिंग बैलेंस क्वांटिटी ली वो तुमने कैसे ली? कंपनी नेम, आइटम नेम, कैलकुलेट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी, फिल्टर किया आइटम नेम, कंपनी नेम एंड इज लेस देन इक्वल टू और नॉट कंटेन्स ऑर्डर और नॉट कंटेन्स डिलीवरी नोट एंड नॉट कंटेन्स रिसीट नोट. And here you have used referential, right? But here you have not exactly gone and picked up anything by the purchase account or the sales account. So that you don't need to do. Okay, fine. Makes sense. It's perfectly fine. So now what your logic which is missing out is this. Sales missing track number and purchase missing track number. So this logic has to be put in, right? ये भी आ गया है देखो. वो कैसे आया? देखो उसमें है सेल्स मिसिंग ट्रैकिंग और परचेस मिसिंग ट्रैकिंग. इसमें इसमें नहीं है सर, अभी मैं अलग से लेके आया हूँ, इसमें नहीं आया, कॉलम बनाया अलग से सेल्स मिसिंग ट्रैकिंग का. ये
नहीं कॉलम है सेल्स मिसिंग ट्रैकिंग, परचेज मिसिंग ट्रैकिंग। ये रहा परचेज मिसिंग ट्रैकिंग नंबर सेल्स। And purchase missing tracking number, you have got it here. So these two are the ones where जिनकी in tracking numbers का जो है वो भी लेके आना पड़ेगा, right? ये tracking number आ गए जो missing है। So here when I come here, then this is receipt note and delivery note are already excluded, right? Tracking underscore number. So alt enter, we are capturing the missing tracking numbers for sales and purchase. Missing tracking numbers include those delivery notes that are not covered by sales invoice and receipt notes not covered by purchase invoice. Is it correct? So is equal to union of. Is my understanding correct, beta? Missing. Ye hoga, comma, missing. Ye hoga. Is it correct? Yes or no? Yes, sir. Then. Pick up the पर इसमें जो तुमने ये किया है बेटा, एक मिनट रुको, इसमें कंपनी नेम भी लेके आए हो? नो सर। वेट, wait a second, beta.